किस हाथ की बेटी चलिए किस आ रही घर में। हाय, आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से अपनी फेवरेट टाइम पास शेयर करती हूँ, या कह लीजिए मेरा हॉबी, या मेरे लिए थेरेपी, या कह सकते हैं कि ये काम मेरे लिए ट्रीटमेंट का काम करता है। जी हाँ, मैं सब्ज़ी खरीदने से लेकर धोने की, उसे सजाने की बात कर रही हूँ। पता है, हफ्ते का ये एक दिन मेरे लिए बड़ा ही ख़ास होता है, क्योंकि मैं बाजार से चुन चुन कर अपने लिए सब्जियां लेकर आती हूँ। मॉल से नहीं, मॉल में मुझे सब्जियां थोड़ी उदास लगती हैं। मुझे जो बाजार में सब्जियां मिलती हैं, वो ऐसा लगता है कि मुझे आवाज़ देकर बुला रहे हैं, मेरे पास आओ, मुझे लेकर चलो अपने घर। और बस, मैं इसलिए ये काम खुद करती हूँ। इनको नहलाने का काम बिल्कुल मेरा ऐसा होता है जैसे आपके घर में बच्चे को नहलाया जाए, बिल्कुल वैसा ही संभाल कर, एक एक कर बड़े प्यार से उसको वॉश करके उसे मैं फैलाती हूँ, उसे सुखाती हूँ। और पता है, उसे पंखे में सुखाते हुए मैं कितनी देर तो उससे बात भी करती हूँ। क्या बात करती हूँ पता नहीं, पर हाँ ये कह सकती हूँ कि मैं काफ़ी अच्छा खासा वक्त बिताती हूँ। कई लोगों को लगता है कि मैं ये टाइम वेस्ट करती हूँ, पर मैं क्या कहूँ, ये मेरे लिए थेरेपी है और यही मेरे लिए टाइम पास भी। मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं जिस भाव से इन्हें छूती हूँ, इन्हें नहला धुला कर सजाती हूँ, काटती हूँ, पकाती हूँ, वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है मेरे हेल्दी लाइफ के लिए। ये काम हमारे घर के हेल्पर्स भी कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन मैं इसके लिए वक्त निकाल सकूँ तो ज़रूर निकालती हूँ। चलिए, मैंने तो अपनी हॉबी शेयर कर दी। अगर आप लोगों की भी ऐसी कुछ हॉबीज़ हैं तो शेयर कीजिएगा, मैं पढ़ने के लिए इंतज़ार करूँगी। ये रंग बिरंगी सब्जियाँ मुझे बहुत सुकून देती हैं और बहुत सारी खुशियाँ भी। मेरा बस चले तो मैं इस बालकनी में बहुत सारी सब्जियाँ लगा दूँ। वाह, क्या मौसम है, आज थोड़ी सी धूप है और ये धूप मैं अपनी सब्जियों को दिखाऊँगी। बहुत टाइम से धूप नहीं है ना, मौसम खुला और खुला है मेरे बालकनी का डोर, यानी कि आज अंदर बारिश का पानी नहीं आने वाला, तो मैं दरवाजे को खोलकर बाहर की धूप थोड़ा अंदर ले रही हूँ और थोड़ा धूप अपनी सब्जियों को दिखा रही हूँ। मुझे इतना काम करते हुए देख किचन में आ ही जाती है। उसे लगता है कि मैं बहुत काम करती हूँ, पर उसे कैसे बताऊँ कि ये काम नहीं, मेरे लिए एक हॉबी है, मुझे पसंद है ये सब करना।
और मेरा बस चले तो ये काम मैं किसी से शेयर नहीं करती, माँ से भी नहीं। उसे नाश्ते के लिए बिठा दिया और मैं अपने लिए कुछ पकाने लगी। कोई गेस कर सकता है कि क्या हो रहा है? टेबल पे पुदीना है और मेरी माँ पुदीने के साथ कुछ कर रही है। चटनी? चटनी नहीं, चटनी का काम होता तो मैं करती, माँ की छुट्टियाँ। मुझे उसे तंग करना बहुत 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 पसंद है। किस हाथ की बेटी चली, किस आने कर रहे हैं, मम्मी को खेत दिया जाए। खेती नहीं, बस माँ का हाथ ना बहुत अच्छा है, ग्रीन हैंड कह सकते हैं। माँ जो भी लगाती है इतना अच्छा होता है, इसलिए मैंने सोचा कि माँ के होने का फायदा उठाया जाए और गमले में थोड़ा पुदीना लगवा लेती हूँ। मौसम है खेती का तो हम कर रहे हैं खेती, मुंबई में जितना कर सकते हैं खेती। प्लांटेशन नहीं बोलना मुझे, खेती बोलना है, ताकि भगवान थोड़ा शर्मा जाए देख कर कि बेटा इसको खेती नहीं कहते, मैं तेरे को जमीन दूंगा। सो भगवान जी, ये है खेती, प्रकृति माँ ये है खेती। और गोबर में माँ जब भी आती है धनिया पुदीना तो लगा ही जाती है, बस तो उसी की तैयारी चल रही है। देखो जी, मजाक मस्ती के बिना तो दिन नहीं कट सकता, इसलिए वो हम दोनों माँ बेटियाँ करते रहते हैं। मस्ती मस्ती में कुछ काम की चीज़ें भी हो जाती हैं और मज़ा भी आ जाता है और बोरियत नहीं होती। सही है ना तरीका? मुंबई में बिजनेस करने वाली हूँ, पुदीना ले लो, पुदीना ले लो, धनिया भी लग जाता है। लो जी, लग गया पुदीना, देखते हैं इस बारिश में पुदीना लगता है या नहीं। ये जो बीज है ना, ये मैं अपनी बड़ी वाली दीदी के घर से लेकर आई थी, मुझे बहुत पसंद है खुद भी ट्रैवल करना और पेड़ पौधों को भी ट्रैवल करवाना। कहीं और ज़मीन से निकला हुआ बीज अब हमारे घर में होगा, ये एक्सचेंज मुझे बहुत पसंद है। के नीचे जो प्लेट्स हैं वो हटाया ही नहीं है हमारे हेल्पर ने, बरसात में लगा कर नहीं रखते, इसलिए मैं वो हटाने का पहले काम कर रही हूँ। पानी जमा हो जाए तो मच्छर भी जमा हो जाते हैं, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए, है ना? तो आज चलो लगे हाथ ये भी काम कर डाला। अपने बालकनी को देखना मुझे बहुत पसंद है, वहाँ बैठना, उसे देखना और वहाँ काम करना, हर चीज़ में मुझे मज़ा मिलता है। चलो जी, अब मज़े मज़े में हमारी सब्जियां सूख रही हैं, अब हम चले मज़े मज़े में खाना पकाने। Thank you.
दिन आ गया डिनर करने का, दिन आ गया डिनर करने का, टाइम आ गया डिनर करने का। माँ टीवी देख रही है और साथ में खाना भी खा रही है और घर बना हुआ है हमारा जी, धोबी घाट, कपड़े सूख रहे हैं अंदर और वैसे भी खाना खाने।